तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जब आज़ान होती है तो शैतान को इतनी तकलीफ़ होती है कि वो हवा ख़ारिज करते हुए भागता है वो और वलहू जुरात बाकायदा उसमें वो साइलेंट पे नहीं होता शैतान उस वक्त प्रोफाइल पे होता है ठीक है ना ऐसे भागता है वो इतनी तकलीफ़ होती है तो मैं ये डिफ़ाइन कर रहा था कि क्यों इतनी तकलीफ उसको पता है पब्लिक ने तो आना नहीं नमाज़ पढ़ने तो फिर आजकल इतनी तकलीफ़ उसको क्यों हो रही है भाई चार आदमी आएंगे चार हज़ार घर में बैठे रहेंगे तो फिर भी तकलीफ़ इतनी हो क्यों नहीं है असल में हो इसलिए रही है कि शैतान ने हर लिहाज से अपना जाल फैलाया जीनत बनाया इस दुनिया को यार ये दुनिया ही सब कुछ है मौत के पास जिंदगी नहीं है जिसके पास पैसा है जिसके पास गाड़ी है बस वो कामयाब है सेहत अच्छी होनी चाहिए ये हो वो हो और लिबरलिज्म को शैतान क्या कर रहा है तबीयत से फैला रहा है तो उसके मुताबिक तो कोई अल्लाह का नाम लेने वाला होना ही नहीं चाहिए चार दीवार में भी ना ले लेकिन पूरी दुनिया में पांच टाइम शैतान का मुंह चढ़ाने के लिए जो है ना फजाओं में इतनी जोर से अल्लाह अकबर की सदाएं गूंजती है इस पे भी अगर शैतान को तकलीफ ना हो तो फिर बताओ किस बात पे होगी इसलिए हदीस में आता है थोड़ी तकलीफ नहीं होती है ऐसे होती है कि जलील हो जाता है वो ऐसे हवा खारिश करते हुए भागता है बदबू के साथ आवाज के साथ ऐसे भाग रहा होता है, ये एक है ना हमें क्या पता है शैतान शैतान को अब ये तो हमें समझाने के लिए है ना इस पर कोई ऐसा ना हो होगा यार शैतान क्या खाता है जो उसके हवाएं भी ख़ारिज होती हैं और जिन्ना तो आग से बने हुए हैं तो वो एक हमें हमारी जबान में समझाया जाएगा ना तो हमें तो हमें हमारी समझा हमारे मुहावरों में हमारी ज़बान में समझाया जाएगा तो जो होती होगी शैतान की हमें क्या पता शैतान से मुलाकात होगी तो पूछ लेंगे भाई शैतान कहेगा अजान करवा कर, कर के देख लो तो खुद ही पता चल जाएगा